आई जितने प्यार से खिलाती है उतना ही स्वाद खाना वो बनाती हैं। I think you are an inspiration for so many women out there. I'm really glad that you came into our lives. It doesn't make us miss our mom's food. I just love you and I love whatever you make for me. मैं ऐसे फ्री नहीं बैठ सकती हूँ, कभी भी हाथ में कुछ ना कुछ तो चाहिए। थकना आलस होता है, तो कुछ तो करते रहो, पैशन ही अपना काम बनाओ। एक कुकिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, मेरे सभी हड्डियाँ दर्द करती हैं, स्वेलिंग है। मैं किचन में जाती हूँ और सब दर्द भूल भी जाती हूँ। कोई भी उम्र में कोई भी कुछ कर सकते हैं ना, 64 कुछ भी नहीं है। वेलकम टू आइस किचन, आइए। आइस किचन नाम ना, आई थिंक इट जस्ट केम फ्रॉम द हार्ट। घर का खाना और माँ का प्यार एक साथ अगर आपको लाना है तो आइस किचन से ज्यादा एप्ट कोई नाम हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन में इधर किसी के घर में मेड नहीं आते थे, किसी के बच्चे छोटे थे, दिन भर ऑफिस का काम भी होता था, तो शाम को हमने ऐसा सप्लाई करना शुरू किया था, तो बहुत सारे ऑर्डर आते रहे। अभी थोड़ा कम है, लेकिन सबके घर में मेड है, रेस्टोरेंट भी खुले हैं। पहले लॉकडाउन के वक्त जब हमारे सोसाइटी में हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे वॉचमैन लिफ्टमैन वगैरह जो साथ में रहते थे, वो गेट के बाहर नहीं जा सकते थे। हमने भी थोड़ा अपने ऊपर जिम्मा लिया था कि वील टेक केयर ऑफ द फूड। बाद में गौतम ने अपने फ्रेंड्स को ही टेस्ट करवाया तो वो लोग पीछे ही पड़ गए कि आई को शुरू करने को बोलो, हम लोग बाय करेंगे ऐसा सब। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग खिलाते थे लेकिन बेचते नहीं थे ना, इसीलिए आई थॉट ऑफ जस्ट पुटिंग अप पिक्चर्स ऑन फेसबुक जस्ट लाइक दैट। And the moment I put up these pictures, I got a lot of orders from my friends and people who were on my Facebook कि उनको भी ये चीज़ें चाहिए। And that's how I realized that okay, there is a market for it outside also. पहले दिन हमने अपम बनाए थे तो ऑर्डर आता ही रहा, लेकिन हमारा आटा खत्म हो गया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि चलो एटलीस्ट 20 प्लेट का ऑर्डर आ जाएगा, बट लिटिल डिड वी नो इट वेंट ऑन टू बिकमिंग 80 प्लेट्स। So that gave us a lot of encouragement. दो दिन में हम लोग 8,000 कमाए, तो मुझे इतना सारा पैसा मिलता है पहली बार, मुझे बहुत आश्चर्यजनक ही था। उसी टाइम में 2-4 दिन पहले पेपर में पढ़ा था इंजीनियर को भी 4,000 पगार नहीं मिलता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंजीनियर से भी ज़्यादा ऐसा लगा था। मैं कुछ कर सकती हूँ, यही बड़ी बात है। टमाटर ओटो जाले रेडी है सर, टोमेटो राइस के लिए बटर 10 उंचे काकड़ी सा एंड आंबे सा पाइन एप्पल सा सा तंत गल चलो। टू सी द कॉम्प्लीमेंट्स दैट माय आई वाज रिसीविंग वाज लाइक अ वेरी नाइस फीलिंग, जो फीलिंग शायद मेरी माँ को होती होगी मैं जब ड्राइंग करता था और कॉम्पिटिशन्स में विन करता था, शायद उनको जो फीलिंग तब होती थी और वो फीलिंग मुझे अभी होती है। ऑर्डर रगड़ा पैटिस एंड वड़ा पाव, डिलीशियस फूड, गुड पैकेजिंग, हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद अ पर्सनलाइज नोट फ्रॉम आई, आई गेट्स 100/100। फॉलो आइस किचन ऑन इंस्टाग्राम। हम लोग जिनको जानते भी नहीं है वो लोग इतना प्यार देते हैं, तो ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उनको माँ का याद आते हैं, माँ के हाथ के खाने का याद आती है और ऐसा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल सब लोग आई ही बोलते हैं, नीचे गए तो ना बच्चे लोग सब आई ही बोल के ही पुकारते हैं, पहले आंटी बोलते थे लोग। हे भगवान,
आज मैं जो कुछ भी बनाऊंगी सबको अच्छा लगे, पसंद आए, टेस्टी लगे। आई जब खाना बनाती है तो सबसे पहले एक साइलेंट प्रेयर करती है। खाने के साथ साथ एक हम पर्सनल नोट भी भेजते हैं जो आई खुद से लिख के लोगों को भेजती है। लव इज द मेन इंग्रेडिएंट व्हिच इज नॉट विजिबल बट दैट इज व्हाट मेक्स द फूड फ्रॉम आईस किचन रियली स्पेशल। ये है ना अन्नपूर्णा की मूर्ति, है गौतम के फ्रेंड ने दिया था, उसकी मम्मी नहीं है तो उसको हम लोग खाना कभी कभी भेजते थे, उसको पसंद आता था ना, तो उसने अन्नपूर्णा देवी की तरह सबको खाना खिलाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ की याद आती है करके मूर्ति दी थी हमें, तो हमने मंदिर में रख दिया है। मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक़ था। जब भी मेरा टेंथ का हो गया, पास हो गई, तो कॉलेज जाना नहीं मिला मुझे, इसीलिए मैं दादी माँ के साथ कुछ नया नया सीखती थी, बनाती थी। मैं जब भी टेंथ पास हुई तो मुझे कॉलेज जाना, पढ़ाई आगे करना बहुत मन में था, लेकिन पिताजी ने मना किया था ना, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जिद्दी थी, मैंने फास्ट भी किए 2-3 दिन, फिर भी नहीं हुआ। हमेशा मेरे मन में था मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं क्या करूँ ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये अचानक से हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मेरा लाइफ भी कुछ मैं कर सकती हूँ लाइफ में ऐसा। ये कहाँ है पिलर? इधर है, ढूंढ देता, कंधा लग। लड़का हो या लड़की हो, कुकिंग का थोड़ा पर आना ही चाहिए। गौतम को तो फोर सेंडर से भी कुछ बनाता था। दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, मेरी सोच ऐसी है। हमारा डिशेस ज़्यादा करके महाराष्ट्रियन, कर्नाटका और गोवा स्टाइल में ही है। हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ विक्रम मेरा हेल्पर है, वो मुझे हाथ के नीचे कुछ भी मैं बोली तो वो कर बना के देता है मुझे। तेल गरम नहीं हुआ था ना, और फ्राई होने के बाद निकालो, लेकिन किसी को देना मत। भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, वो अपने बेटे की तरह रखती है, मतलब जैसे सर जी हमारे, उनका भी देखभाल करती है जैसे हम हमारा भी करती है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ऐसा कि मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन आज जो है मेरे को बहुत से रेसिपी जो है, बहुत से खाने जो है, इनके खाने सारे मेरे को जानकारी हो गई। विक्रम आज कितना देना है? 5 प्लेट। लाइफ में कभी लेट नहीं होता है, कभी भी कोई कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मेरा ही अनुभव बोल रहा है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आइस किचन व्हेन इट केम इनटू बीइंग वी डिडंट नो इट वुड, तो हम लोग अभी भी उसी मुकाम पे हैं जहाँ पे हम आगे की नहीं सोच रहे, हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट टेकिंग एवरी डे एज इट कम्स। मैंने तो भगवान से मांगती हूँ कि जब भी मैं काम करती रहूँ तभी मैं शरीर छोड़ के चली जाऊँ। तो मैंने पहले तो फेमस के बारे में सोचा ही नहीं था, आजकल के बच्चों को नाम और फेमस होना बहुत अच्छा लगता है, मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। मैंने बच्चे बोले शुरू करने को तो हो गया, अभी मैं ये बोल रही हूँ कि गौतम ने पंख दिए मैं उड़ गई।